हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोहार सभी को। और चलिए, बहुत दिन बाद फिर से मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और बारिश बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश हो रहा है। धनबाद में लगातार बारिश होते होते रात भर पूरा बारिश हुआ है। और जैसे मैं फिर से देखे भी लग रहा है मेरा तबीयत खराब होने वाला है फिर से। मेरा आवाज़ भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। और यहाँ इतना ज़्यादा मच्छर है, मतलब धनबाद में बहुत ज़्यादा। शाम होते ही पूरा मच्छर आने लगता है। खिड़की दरवाजे खुला नहीं छोड़ सकते बहुत ज़्यादा। और बारिश की वजह से बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए वीडियो भी स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बने रही। सुबह सुबह का टाइम है, अभी हम पोहा बनाने जा रहे हैं। तो दिखाते हैं आप लोगों को सुबह का नाश्ता बनाना है। झाड़ू वगैरह सब कुछ हम कर लिए, बर्तन वर्तन सब कुछ, बस अब नाश्ता बनाना है। और दूध भी आ गया। और ये रहा चूड़ा, इसको पोहा, इसका अभी पोहा बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। पहले पानी में भिगो के थोड़ा देर रखते हैं, फिर इसका बनाते हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो चूड़ा को भिगो के रख लिए हैं, अब इसका पोहा बनाएंगे। और इधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, इसमें बादाम को भूंजेंगे पहले। तो चलिए भूंज लेते हैं इसको। हल्का हल्का फ्राई करेंगे, पूरा नहीं फ्राई करना है। बादाम तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, सुंदर सुंदर बादाम। इसको थोड़ा होने देते हैं लाल लाल। बादाम हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। इधर मैंने प्याज और मिर्ची काट लिया है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। बस इसमें ज़्यादा चीज़ का ज़रूरत नहीं है, बहुत कम चीज़ में बन जाता है। तो ये हो ही गया, इसको उतार लेते हैं। ये मेरा पोहा बन के रेडी हो चुका है, अब खाएंगे। इधर मेरा दूध भी गर्म हो चुका है, लाइट का कोई भरोसा नहीं, तुरंत चल जाता है, इसीलिए दूध वगैरह गर्म कर लेते हैं, फटाफट चाय बना लेते हैं। और ये रहा मेरा सुबह सुबह का नाश्ता, पोहा और चाय। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं फटाफट से, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया। और लग रहा है फिर से मेरा तबीयत खराब होगा। तबीयत एक बार ख़राब हो, सर्दी बुखार बहुत ज़्यादा हो गया था, दवाई ववा खाए तो ठीक हो चुके थे, अब फिर से लग रहा है फिर से मेरा तबीयत खराब होने वाला है। फिर से देख के लग रहा है मेरा आवाज़ भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। तो चलिए वीडियो को बने रहे। और सुबह सुबह उठे तो इतना बारिश हो रहा था, इतना ज़्यादा, बहुत, मतलब कुछ दिन से बारिश हो ही रहा है। और मम्मी लोग को बोल रहे, तो मम्मी बोल रही कि नहीं इधर तो बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा धनबाद में बारिश हो रहा है। और जिसके वजह से पूरा पानी पूरा फैल गया हम लोग का वहाँ पे। पानी जब भी गिरता है वैसे ही हो जाता है। तो चलिए आप लोग दिखा, पूरा पानी भर गया था सीढ़ी के नीचे, पूरा पानी भरा हुआ पूरा। सुबह और ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हो गया, पता नहीं पानी कहाँ से आता है। देखो कितना ज़्यादा अभी भी पानी है। हमेशा जब बारिश होता है यही दिक्कत हो जाता है, पूरा पानी 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 हो गया। चल तो इसको साफ करना पड़ेगा, अगर इसको नहीं हटाएंगे ना तो ये ऐसा नहीं कि सूख जाएगा, नहीं सूखेगी ऐसे ही रह जाता है। तो इसको हटा देते हैं, पूरा पानी। देखो कितना ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा, पूरा घर में पानी ही पानी है। साल भी इतना, फिर भी अभी भी इतना पानी बचा ही हुआ है। निकाल ही दिया पानी सारा, थोड़ा बहुत बचे हैं। फिर से बारिश आएगा तो यही हाल हो जाएगा फिर से। ये निकल गया, अब इसको और थोड़ा साफ करना पड़ेगा। इधर पूरा सीढ़ी में पानी आ गया, पूरा ये इधर से आ रहा है ऊपर से। ये देखिए पूरा पानी पानी हो गया, पूरा इधर नहीं है, इधर पूरा सूखा, यहाँ से आ रहा है पानी।
ये देखिए यहाँ से यहाँ पे जो थोड़ा सा हल्का सा क्रैक है यहीं से आ रहा है, क्योंकि ये पहले पूरा सीढ़ी में पानी आता था, तो इसको पूरा चेंज करवाए, सोचा अब नहीं गिरेगा, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा सा दरार है, उसी से पानी आना स्टार्ट हो गया, इसी से इतना पानी नीचे भर जाता है, पूरा इस साइड भी है और उस साइड भी है, पूरा पानी पानी हो जा रहा है, और छत भी पूरा पानी से भरा हुआ है, और मैं आगे छत पे, छत में भी पूरा पानी पानी भरा हुआ, चारों तरफ से पानी पानी दिख रहा है। कुछ दिन बारिश नहीं होता, बहुत गर्मी लग रहा है, लेकिन बारिश होने लगा तो अच्छा है, लेकिन मच्छर वगैरह इतना ज्यादा, और बारिश के रुकने का नाम नहीं लेता, अभी रुका हुआ है, लेकिन लग रहा है मौसम ऐसा कि बारिश फिर से होगा। तो चलिए दिखाते आप लोग, छत में पूरा पानी भर गया हम लोग का, ये देखिए इधर पूरा छत में पानी जमा हो गया हम लोग का, इधर पूरा पानी पानी हो गया, कितना पानी गिरा है, और इधर भी है, इधर है, इधर है, सब तरफ से पानी पानी जमा हो गया पूरा छत में, और पीछे वाला एकदम साफ किया गया था, लेकिन बारिश हुआ और फिर से पूरा हरा भरा हो गया, पूरा जंगल हो गया पीछे पूरा, ये देखिए पूरा हो गया, बहुत बड़ा बड़ा भी पेड़ हो गया, छोटा छोटा बड़ा बड़ा बहुत सारा, और अभी भी बादल किया हुआ, अभी भी लग रहा बारिश होगा, बारिश तो होना ही है, होगा ही, पूरा बारिश हो रहा है, और हर तरफ हम लोग का बारिश ही नहीं हो रहा है, इधर देखिए पूरा मौसम किया हुआ है बारिश का। तो चलिए चलते हैं अब नीचे, बना रहे हैं हम आज घी, मम्मी देके भेजती थी तो सोचे बना लेते हैं, रखा ही है, अब आज बना ही लेते हैं, और खाना वगैरह भी बनाना है, इसको पहले बना लेते हैं फिर खाना वगैरह भी बनाएंगे। मेरा चावल भी लगा हुआ है, छुपा है, बस अब दाल बनाना है। ये देखिए आप लोगों को घी दिख रहा होगा, ये देखिए साइड साइड में घी निकलना स्टार्ट हो चुका है, इसके इधर इधर जो येलो येलो दिख रहा है सारा घी है, अब घी निकलना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए हमारा घी बन के रेडी हो चुका है, और आज मौसम बहुत अच्छा, पूरा बारिश हो रहा है सुबह से, ना गर्मी था, मौसम बहुत अच्छा हो गया, सुबह से एकदम बारिश हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। इवनिंग का टाइम हो गया, शाम का टाइम, तो सोचा आज मोमोज बनाते हैं, घर में तो मतलब बहुत बार बनाए हैं, आज फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, देखते हैं चलिए बनाते हैं। और ये रहा हमारा मोमोज बन के रेडी हो चुका है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखते हैं खाने में तो टेस्टी होगा ही, देखते हैं। चलिए हमारा मोमोज बन के रेडी हो चुका है एकदम गर्मा गर्म, और शाम हो चुका है तो हम अपना चाय भी पी लेते हैं, चाय मेरा बन चुका है तो पी लेते हैं फटाफट। शाम का टाइम हो गया, इवनिंग हो गया, थोड़ा तो मार्केट जा रहे हैं, बारिश अभी रुका हुआ है, दिन भर पूरा बारिश हुआ, वो निकल ही नहीं सकते थे, थोड़ा काम भी है, तो इसीलिए जा रहे फटाफट से आ जाते हैं, फिर बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, रेडी हो चुके हैं, बस निकल ही रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। सब्जी उब्जी लेके घर आ चुके, जैसे ही घर आए बारिश होने लगा, अच्छा टाइम से हम लोग घर पहुँच गए, और सब्जी वगैरह कुछ कुछ लेना था और कुछ काम था वो सब कर दिए, तो बारिश नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, जल्दी जल्दी गए कहीं रुके नहीं, कुछ गए हैं और आ गए हैं, और खाना वगैरह भी सब कुछ बना लिए, बस खाना बाकी है, अब खाना वगैरह खाएँगे सो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।